मेरा नाम साजिद अली और आप देख रहे हैं एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर मीरस की प्रिंट टेस्ट की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुछ अहम इस्लामियात के एमसीक्यूज़। तो सबसे पहले नमाज खसोफ, देखें खसोफ जब चांद ग्रहण होती है तो नमाज खसोफ जो है ना वो अदा की जाती है, और कसोफ तब अदा की जाती है जब सूरज ग्रहण होती है। अब बात करें गार हिरा की, तो केव हिरा कहाँ मौजूद है, ये जबल नूर में मौजूद है। और उसके बाद फर्स्ट मास्क ऑन अर्थ, इस दुनिया में सबसे पहली जो मस्जिद थी वो मस्जिद कुबा, और उसके बाद वाइफ ऑफ प्रॉफेट डॉटर ऑफ उमर ये हफ्सा। और ईद पीरियड की अगर बात की जाए तो नमाज ईद जो है ये वाजिब है, और बुक जो हदीस का अल मुअत्ता ये इमाम मालिक ने लिखा। उसके बाद अगर बात की जाए किसिंग और टचिंग ऑफ हिजर अस्वद, यानी जो हिजर अस्वद पत्थर है उसको जब टच किया जाता है या उसको किस किया जाता है तो उस अमल को क्या कहते हैं, इसको इस्तलाम कहते हैं। और उसके बाद फर्स्ट माइग्रेशन अगर बात की जाए प्रॉफिट की, उन्होंने कहाँ की, तो ये एबिसिनिया में की। और उसके बाद तीन ट्राइब्स थे, बनू कुरैज़ा, बनू नज़ीर एंड बनू काइनोका, ये कुछ इनके ट्राइब्स थे ये जो जूस के ये मौजूद थे वहाँ। उसके बाद विच गज़वा मेंशन्ड इन आल इमरान, तो सूरह आल इमरान में गज़वा उहद बयान किया गया है, और ये गज़वा उहद ही था जिसमें पैगम्बर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद हुआ था। और ये जो गज़वा उहद हुआ था ये 3 हिजरी में हुआ था, बैटल ऑफ यरमूक ये मुस्लिम और रोमन्स के बीच में लड़ी गई थी। मस्जिद क़िबलतैन ये मदीने में वाक़ है। देखिए मस्जिद क़िबलतैन इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसी मस्जिद में क़िबला डायरेक्शन यानी चेंज हुआ था मुसलमानों का। तो ये जो तारीख थी ये 15 शोबान और 2 हिजरी थी जब ये क़िबला चेंज हुआ था। ये एमसीक्यू आता है स्टोनिंग द डेविल इज़ कॉल्ड, शैतान को जो पत्थरियाँ मारी जाती हैं इस अमल को रमी कहा जाता है। रनिंग बिटवीन सफ़ा एंड मरवा, और सफ़ा और मरवा यानी जो ये दो पहाड़ हैं उनके बीच में जो 7 चक्कर लगाए जाते हैं दौड़ा जाता है, तो इसको कहा जाता है ये सही है। फर्स्ट उमैया कैलिफ जो था वो मुआविया, और बैतुल मामूर की अगर बात की जाए तो ये 7वें आसमान पर है। मॉस्क डेमोलिश्ड बाय प्रॉफिट, वो कौन सी मस्जिद जी जो जो पैगम्बर कायनात ने यानी गिराई थी, ये मस्जिद ज़रार थी क्योंकि उसमें मुनाफिक लोग जो थे वो कंस्पायरेसीज करते थे, साजिशें करते थे। फोर्ट ऑफ कमूस कॉन्कर्ड बाय, ये मौला अली अलैहिस्सलाम ने फतेह किया था। फ्रेंड ऑफ खदीजा कैरिड मैसेज ऑफ निकाह, यानी किसने खदीजा की जो दोस्त जिन्होंने निकाह का पैगाम पैगंबर तक पहुंचाया वो नफीसा थी। और उसके बाद सोशल बॉयकॉट की अगर बात की जाए बनू हाशिम का, तो 7 नबवे में हुआ था यानी नबूवत के 7वें साल में हुआ था। सोशल बॉयकॉट की अगर की बात की जाए तो ये 3 साल तक चला था। ओरिजिनल नेम अबू जहल का जो था वो उमर बिन हिशाम था। अबुल हिकमा जो हिकम था वो टाइटल था यानि उसका लकब था अबू जहल का। किंग ऑफ ईरान टोर अवे द मैसेज ऑफ प्रॉफिट, और उसके बाद अगर बात की जाए तो मंथ ऑफ माइग्रेशन यानी हिजरत का महीना किसको कहा जाता है, ये रबीउल अव्वल को कहा जाता है। ईयर ऑफ डेपोटेशन ये 9th हिजरा को कहा जाता है। मुआखात जिसको ब्रदरहुड कहते हैं यानी सिंधी में उनके जो भाईचारो पैगम्बर क्रिएट कयो यानी हिक बे जो भाव बनाए हुई मानून के, तो मुहाजरे अंसारन के यो 2 हिजरी में थो। कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट एट हुदेबिया, तकरीबन 1400 मानू हुआ हुदेबिया में। हज़रत खदीजा एंड अबू तालिब डाइड इन द ईयर ऑफ 619, 619 में जेके हज़रत खदीजा हज़रत अबू तालिब जेके वफात थी। इन साल के आमुल हज़न में चयो वो लार्जेस्ट आइडल नेम इन काबा, जो काबे में वे में वो बुत रखल हुए वो हबल हुए। ग्रेव ऑफ प्रॉफिट प्रिपेयर्ड बाय पैगम्बर कायनात री जी कबर मुबारक हुई वह कें ठाई वो हज़रत अबू तला। हज़रत खदीजा डाइड एट 65 ईयर्स एज, हु डाइड फर्स्ट अमंग साहबा, साहब सबसे पहले असद। हज़रत अबू बकर हेट नॉलेज ऑफ ड्रीम्स इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, उनके माना हज़रत अबू बकर के ख्वाबन जी ख्वाबन जो इल्म हुयो। अतीक टाइटल, अतीक टाइटल कें जो हज़रत अबू बकर जो, हु इस्टेब्लिश्ड डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस एंड जेल, पुलिस एंड जेल जो डिपार्टमेंट हुयो हज़रत उमर ही इस्टेब्लिश कियो। फॉर 18 ईयर्स प्रॉफिट सफर्ड फ्रॉम स्किन डिजीज़ वाज, जब वो कड़ो पैगम्बर हुए जैसे 8 सालन तीन जी स्किन की बीमारी हुई, चमड़ी की बीमारी हुई हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम हुयो।
ऐं हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ई हुयो जेको पंहिंजे सब्र जे करे मशहूरु आहे। होइस नॉन इज़ द फस्ट दरवेश, पहला दरवेश को कहा जाता है हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, सूरा मिन सिटी ऑफ रिफ्यूज। हज़रत उस्मान वॉज द फस्ट हाफिज़ कुरान, पहिरियों हाफिज़ कुरान हज़रत उस्मान हुयो। ऐं उन खां बाद में अगरि बात की जाए हज़रत प्रपोज़ कंपाइलेशन, हू प्रपोज़ आर्डर ऑफ द कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान, या हज़रत उमर थे जिन्होंने हुक्म दिया था कि कुरान पाक को यानि एक साथ रखा जाए और लिखा जाए। हज़रत हलीमा वाज फोस्टर मदर ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, उसके बाद अगर बात की जाए तो कुरान, अच्छा ये तो साबित, विच आयत इज़ कॉल्ड सरदारुल आयत, ये आयतुल कुर्सी को कहा जाता है कि सरदारुल आयत है। बैकबोन ऑफ इस्लामिक सिस्टम, ये ज़कात है। और ज़कात कब फ़र्ज़ हुई, ये 2 हिजरी को। फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ फेथ इन इस्लाम, यानि पहली निशानी जो है ईमान की वो क्या है, नमाज है। और उसके बाद कुर्बानी कहाँ की जाती है, मिना में की जाती है। नेम द पर्सन हुज़ हाउस बिकेम द सेंटर ऑफ प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, वो कौन से बंदे थे जिसका घर जो था इस्लाम के फैलाने का यानि जो सेंटर हुआ करता था, वो हज़रत अरकम का घर था। वेयर डिड मुस्लिम्स टुक रिफ्यूज नियर मक्का इन 7th ईयर ऑफ प्रॉफिट, और ये जो शेब अबी तालिब, यानि जो एक वैली थी अबू तालिब, अबी तालिब, ये यहाँ इन्होंने ये रहे थे। 10th नबवी इज़ कॉल्ड ईयर ऑफ सॉरो, इसको आमुल हज़न कहा जाता है 10 नबवी को, क्योंकि इस साल में ये हज़रत बीबी खदीजा और हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हुआ था। हिजरा ईयर स्टार्टेड ये 12 रबीउल अव्वल, और जो 15वां साल था, 13वां साल, हाँ जो साल था 13वां साल था नबूवत का, इसमें स्टार्ट हुआ था। उसके बाद अगर बात की जाए हाउ मैनी सईफ रिवील टू हज़रत इदरीस, हज़रत इदरीस पे जो 30 सईफ नाजिल हुए, और उसके बाद हज़रत आदम पर 10 सईफ नाजिल हुए। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया यानी सुलह हुदैबिया 6 हिजरी को हुई। और असहाब सफ़ा किसको कहा जाता है, वो मुहाजिर जो मस्जिद नबवी के नज़दीक ठहरे थे। फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ये मिसा के मदीना था। और उसके बाद फर्स्ट कैपिटल अगर इस्लामिक कॉमनवेल्थ का बात की जाए तो ये मदीना। ईमान मुजम्मिल का मतलब होता है कि बिलीफ इन ब्रीफ। और उसके बाद मुख्तसर चीज़ों पर जो यकीन रखा जाता है। ईमान मुफसल का मतलब होता है बिलीफ इन डिटेल। अदा बिन आतम दाई ने इस्लाम कबूल किया था 9 हिजरी को। और उसके बाद इमाम दारुल हिजरत, ये जो टाइटल था या इमाम मालिक का था। सील ऑफ फिक्स्ड, वो मोहर जो इम्पॉर्टेंट लेटर्स पर लगाई जाती थी, ये किसकी कस्टडी में थी, ये हज़रत खुज़ैफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की कस्टडी में थी। अमीनुल उम्मत, ये किसका टाइटल था, अबू उबैदा बिन जरा। रिवर नाइल वाज डिक्लेयर्ड एज सैयदुल अनहार बाय हज़रत उमर, हज़रत उमर ने कहा था कि ये जो रिवर नाइल है ये सैयदुल अनहार है। और अबुल अंबिया, ये टाइटल था हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। और नेम द फर्स्ट मुस्लिम अमंग स्लेव्स, ये जैद बिन हारिस थे। हुर बिन यजीद पहले शहीद थे करबला के। और मुहर्रम का मतलब होता है फारबिडन। अब्दुल मालिक मरवान ने डॉट्स जो है वो लगाए थे कुरान में। हाफिज़ लखवी ने कुरान का ट्रांसलेशन किया था पंजाबी में। और फर्स्ट ट्रांसलेशन जो कुरान की सिंधी में हुई थी, ये आखूंद अजीज़ुल्लाह ने की थी। और कुरान की जो पहली ट्रांसलेशन पर्शियन में हुई थी, ये शाह वलीउल्लाह ने की। और उसके बाद सुलेमान डाइड वाइल स्टैंडिंग विद सपोर्ट ऑफ स्टिक। अच्छा, उसके बाद थोड़ा ये मिक्सअप हो गया है कि गैस जो इस्तेमाल होती है रेफ्रिजरेटर में कूलिंग के लिए, वाटर को कूल करने के लिए, ये अमोनिया होती है। और डेंसियस सब्सटेंस अगर बात की जाए इस अर्थ पर, तो वो ऑस्मियम होता है। एक्सरेज किसने डिस्कवर किए थे, तो ये रोटेंजन ने किए थे। विच मंथ ऑफ कैलेंडर कैन लेक न्यू मून, तो ये फरवरी होता है। अच्छा, ये फरवरी वाला ये सवाल आता है ये काफ़ी मरतबा। यूनिट टू मेयर क्वान्टिटी ऑफ ओजोन इन एटमॉस्फेयर, ये डेप्सन होता है। ये डेप्सन मालूम करता है कि ओजोन की जो क्वांटिटी है वो कितनी है या कंसंट्रेशन कितनी है। मेन कल्प्रिट ऑफ डैमेजिंग ओजोन लेयर, तो ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वगैरह होते हैं। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ पाकिस्तान, ये स्टोला। कुकिंग गैस को LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी कहा जाता है। और उसके बाद लास्ट स्टेट जिन्होंने USO को ज्वाइन किया, तो ये हवाई। और फर्स्ट पॉइंट अगर उर्दू लैंग्वेज की बात की जाए तो ये अमीर खुसरो थे। ये थोड़ा ऑल अबाउट आज की इस वीडियो में।